अनमोल टीचर्स पर आज हम बात कर रहे हैं शाला सिद्धि को लेकर। जैसा कि आपको विदित है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यानी कि सत्र 2020-21 में शाला सिद्धि का स्वयं मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन होना है। स्वयं मूल्यांकन हमें ऑनलाइन करना होता है और बाह्य मूल्यांकन हमारे विभागीय अधिकारी संस्था प्रधान या PO महोदय करते हैं। शाला सिद्धि का स्वयं मूल्यांकन हमें नेपा की साइट पर ऑनलाइन करना होता है। इनके जो दिशा निर्देश हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, शाला सिद्धि के दिशा निर्देशों को लेकर यह लेटर स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रेषित किया है। इसमें बताया गया है कि इसको 2016-17 के सत्र से आरंभ किया गया था और इसमें स्वय एवं बाह मूल्यांकन किया जाता है और वार्षिक कार्य योजना 20-21 है उसको भी इसी प्रकार हर वर्ष की भांति ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें तीन प्रकार के क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, भौतिक, शैक्षिक और सह शैक्षिक इत्यादि। मित्रों, गत वर्ष की भांति ब्लॉक स्तर पर चयनित राज्य के विद्यालयों का बाह मूल्यांकन किया जाना है। जिस प्रकार पिछली बार किया गया था उसी प्रकार से अब भी वहाँ मूल्यांकन किया जाना है। अब हम देखते हैं राज्य के विद्यालयों के स्वयं मूल्यांकन कार्य हेतु प्रक्रिया निम्न अनुसार है, यानी कि जो हमको स्वयं मूल्यांकन ऑनलाइन भरना है उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। नीपा नई दिल्ली से प्राप्त निर्देश अनुसार सत्र 2020-21 में यह कार्यक्रम राज्य के विद्यालयों में संचालित होना है, यानी कि जो निजी विद्यालय हैं उनके लिए ये लागू नहीं है। अब इसका पहला दिशा निर्देश देखते हैं। स्वयं मूल्यांकन एवं डैशबोर्ड पर ऑनलाइन प्रविष्टि कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नीपा नई दिल्ली से प्राप्त टाइमलाइन अनुसार किया जाएगा, यानी कि अभी इसका टाइम टेबल घोषित नहीं किया गया है, केवल दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगला निर्देश देखते हैं। शाला सिद्धि पोर्टल को शाला सिद्धि .nepa.ac.in पर लॉगिन कार्रवाई की जानी है, यानी कि इस साइट पर आपको यह लॉगिन करना है। अगला देखते हैं। विद्यालय अपने लॉगिन से शाला सिद्धि पोर्टल के डैशबोर्ड पर सूचनाएं अपलोड करेंगे। अगला बिंदु देखते हैं। शाला सिद्धि वेब पोर्टल के तीन भाग हैं। जो प्रथम भाग है उसमें विद्यालय प्रोफाइल और छात्र एवं अध्यापकों से संबंधित सूचनाएं दर्ज होंगी। जो दूसरा भाग है उसमें 7 आयाम हैं जिनके 46 पॉइंट हैं, 46 मानक हैं। इन मानकों के अनुसार विद्यालय का स्तर व कार्य योजना की प्राथमिकता स्कूल के द्वारा ऑनलाइन दर्ज करनी है। और जो अंतिम और जो तीसरा भाग है, तृतीय भाग में संस्था प्रधान को अपने विद्यालय का मिशन स्टेटमेंट लिखना है एवं विद्यालय विकास की योजना बनाकर विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार समय निर्धारित कर उसे शाला सिद्धि पोर्टल पर अपलोड करना है। और जो फाइनल सबमिट है उसके बारे में देखिए मित्रों, विद्यालय द्वारा संपूर्ण डेटा फिटिंग के पश्चात फाइनल सबमिट से पहले इसकी एक हार्ड कॉपी अवश्य प्रिंट कर ली जाए तथा इंद्राज की गई सूचना अच्छी तरह से जांच ली जाए। इसके पश्चात आवश्यक संशोधन यदि कोई हो कर इसे फाइनल सबमिट करें, यानी कि पहले देख लें कि कोई संशोधन तो नहीं है। फाइनल सबमिट के बाद विद्यालयों द्वारा फीड की गई सूचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अगला बिंदु देखते हैं। यह ध्यान रहे कि प्रत्येक आयाम में संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय का वास्तविक स्तर ही भरा जाए। अगला बिंदु देखते हैं। विद्यालय द्वारा पोर्टल पर फीड की गई सूचनाओं से संबंधित सभी दस्तावेज और सामग्री एक फाइल में संधारित करके रखें। शाला सिद्धि अंतर्गत सत्र 2020-21 में स्वयं मूल्यांकन कार्य पूर्व की भांति केवल शिक्षा विभाग, पंचायती राज व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों द्वारा किया जाना है। अगला देखते हैं। यदि वर्तमान सत्र में कोई विद्यालय क्रमरत हो गया है एवं शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो शाला सिद्धि पोर्टल पर केवल प्रदर्शित कक्षाओं की सूचना ही भरी जाए, यानी कि अगर कोई विद्यालय 8वीं तक का है और वो अब 10वीं तक का हो गया है तो उसमें जो सूचनाएं हैं वो 8वीं तक की ही भरी जानी है। अगला बिंदु देखते हैं। शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर प्रविष्ट के समय विद्यालयों से पासवर्ड,
पिन ओटीपी एवं डेटा अनफ्रीज के समाधान की प्राप्त रिक्वेस्ट को जिले एवं ब्लॉक पर कार्यरत एमआईएस इंचार्ज प्रति दिवस रिक्वेस्ट प्राप्त होते ही अप्रूव करें। अब आगे हम देखते हैं राज्य के विद्यालयों के बहामूल्यांकन की प्रक्रिया। वार्षिक कार्य योजना 2020-21 में एमएचआरडी नई दिल्ली द्वारा 1/6 राजकीय विद्यालयों का बहामूल्यांकन किया जाना अनुमोदित हुआ है। यह कार्यक्रम राजकीय विद्यालयों में संचालित होना है। पहला बिंदु इसका देखते हैं, दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक विद्यालय स्तर से चयनित 1/6 राजकीय विद्यालयों शिक्षा विभाग के पंचायत राज एवं के जी बीवी का बहामूल्यांकन एवं डैशबोर्ड पर ऑनलाइन प्रविष्टि पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। राज्य के 1/3 का आधा यानी कि 1/6 भाग राजकीय विद्यालयों का बहामूल्यांकन किया जाएगा। जिन विद्यालयों का बहामूल्यांकन किया जाना है उसकी सूची परिषद मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। गत सत्र में जिन विद्यालयों का बहामूल्यांकन किया जा चुका है वहां पुनः बहामूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी कि जिनका मूल्यांकन पिछले सत्र में हो गया था उनका मूल्यांकन अब इस सत्र में नहीं होगा। बहामूल्यांकन गत सत्र में प्रशिक्षित किए गए पीईओ प्रधानाचार्य एवं संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इस बार प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है कोविड-19 के कारण। विद्यालयों के सारा सिद्धि बहामूल्यांकन किए जाने के लिए प्रति विद्यालय बहामूल्यांकन अधिकारियों के 3 सदस्य जांच दल का गठन किया जाएगा। प्रत्येक दल में प्रधानाचार्य स्तर का अधिकारी दल का प्रमुख होगा, उसके सहयोग से 2 अन्य सहयोगी अधिकारी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर के संस्था प्रधान होंगे। आगे मानदेय के बारे में बताया गया है, प्रत्येक विद्यालय के शाला सिद्धि बहामूल्यांकन हेतु जो जांच दल बनाया जाएगा उसके प्रमुख को तो 200 रुपये और जो सहयोगी अधिकारी हैं उनको 150 रुपये की दर से मानदेय देना निश्चित किया गया है। अगला बिंदु देखते हैं, जांच दल में सम्मिलित अधिकारियों को उनके विद्यालय के अतिरिक्त अन्य चयनित विद्यालयों के शाला सिद्धि बहामूल्यांकन का कार्य आवंटित किया जाएगा, यानी कि वो खुद के विद्यालय में जांच नहीं कर सकते। जांच दल में सम्मिलित अधिकारियों को उनके विद्यालय के शाला सिद्धि बहामूल्यांकन का कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। आगे इसमें और भी दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए अनमोल टीचर्स को एजुकेशन संबंधी वीडियो तुरंत पाने के लिए।